ਕਰੋ साथियों, हमारे बीच में आपकी इस मुहिम को इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए यूनाइटेड वुमेन गाइड्स फेडरेशन की चेयरपर्सन श्रीमती प्रभात किरण जी मौजूद हैं। मैं उनको दिलाने जा रहा हूँ आपसे गुजारिश की उनका स्वागत से उठाने की। श्रीमती प्रभात किरण जी, ये बड़ी बात है, यूनाइटेड वुमेन गाइड्स फेडरेशन के अध्यक्ष हो गए हैं। निजामुद्दीन खान आपके पुराने सभी को आदाब करती हूँ, नमस्कार। श्री मौलाना आमिर राशिदी पुलवा काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मेरी काफ़ी इनके साथ मीटिंगें हुई और जो बातचीत करके मैंने महसूस किया, एक रूहानी शख्सियत हमारे बीच में है, रूहानी। और ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक रूहानी संगत है। मैं ये कहूंगी, जब रूहें निर्पराध रूहें मरती हैं तो वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर करती हैं और उनके जज्बात आपके रूप में आकर के यहाँ पर बैठे हैं। आप उनकी आवाज बनके कहीं ना कहीं वो रूह है आपके साथ है और इसीलिए आप मजबूर हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। जब हम सब भारत माता की संतान हैं, ह्यूमन राइट कहता है जहाँ जहाँ भारत की संतान को निरपराध लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनके साथ अत्याचार अनाचार होता है, वहाँ वहाँ मानव ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। ये मैंने महसूस किया जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनकी आत्मा तड़प रही थी न्याय दिलाने के लिए। आखिर भारत माता की जो भी संतान, मैं भी संतान, फिर ये भेदभाव क्यों? अभी यहाँ पर एक बोल लगा है, मुसलमानों के साथ धोखा क्यों? क्यों हमें हमारे को ये लिखना पड़ा कि हमारी अंतरात्मा क्यों करा रही है? हमने क्या भारत में जन्म नहीं लिया? हमने क्या भारत के लिए कुछ नहीं किया? हमने क्या अपने देश के लिए? हम मर मिट सकते हैं आज भी। इन्होंने कहा उसे, बहन आज भी अगर पाकिस्तान हमला बोल दे तो हम सबसे पहले हजारों लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए वहां पे भेजेंगे। मैं करना व्यक्ति होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारा देश भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न संप्रदाय, जाति और भिन्न भिन्न विभिन्नता को लेकर चलता है। विभिन्नता में जीवंतता है। लाइव लाइव इंडिया, हम जीते हैं, हमारा भारत जीता है। एक और ईद की सुवैया बनती है, दूसरी ओर दिवाली का मिष्ठान बटता है, एक दूसरे के गले लगते हैं। उस देश में बेमनुष्यता फैलाना, उस देश में भेदभाव करना, उस देश को कमजोर करना, इस चाल को हमारे ये रूहानी ताकत नहीं होने देगी जो हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी ये ताकत देश को जोड़ने के लिए आगे आई है, सारे देश को एकजुट होने के लिए आगे आई है। आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, अपने दुख को दर्द को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है, कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है, इसीलिए आप चलने के लिए आने के लिए मजबूर हुए। इस बड़ी दुपहरी में यहाँ पे बैठे भूखे प्यासे और यहाँ पर अपने आवाज को उठा रहे हो। मेरे भाइयों, जब रूह की बात आती है, जब ऊपर आकाश से बात होती है, तब जरूर न्याय मिलता है। मुझे बहुत दुख है कि हम लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, उन मासूमों के साथ, उन मासूम रूहों के साथ सरकार ने भेदभाव किया और सिर्फ कथित नहीं की गई। तो मैं भी आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर आज कहती हूँ, ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मे लोग, ऐसे संवेदनहीन लोग जो जब तक
बम ब्लास्ट होता है तो हमारे मंत्री गृह मंत्री ड्रेस बदलते हैं, बताते हैं, अभी बताया मेरे भाई ने। ऐसे संवेदनहीन लोगों को हमें निकाल के बाहर करना है, हमें हमारी देश को बचाना है। तो इन लालची संवेदनहीन पतलू लोग सत्ता के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हुए लोगों को निकाल के बाहर करना है और देश को एक साफ सुथरी जमात देनी है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। मेरे भाइयों, हमारा ये देश उस राक्षस के गार्डन की तरह न हो जाए। 12वीं कक्षा में एक कहानी पढ़ाई जाती है, द जायंट्स गार्डन। ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रही, ये पूरे विश्व की कहानी है, वर्ल्ड फेमस कहानी। इसमें क्या होता है, एक आदमी रहता था, उसके बगीचे में तरह तरह के लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते थे और उसके बगीचे में चमत्कार हो गया। वहाँ हरियाली होने लगी, वहाँ फूल खिलने लगे, वहाँ तितलियाँ तैरने लगी और उसमें खूबसूरती आ गई, चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए थे। एक दिन उस आदमी के मन में विचार आया कि मेरा बगीचा तो इतना सुंदर है, इन बच्चों को निकाल बाहर करो। उसने बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया। ये मैं नहीं कह रही, ये सिंबॉलिक कथा है। इन बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दो, इस समय जाके बाहर निकाल दो। और जैसे ही उसने उन बच्चों को बगीचे से बाहर निकाला, बगीचे में फुलवारी मुरझा गई, भौरे का गुंजन खत्म हो गया, चिड़ियों का चहचहाना खत्म हो गया और उस बगीचे में बर्फ गिर गई। मेरे साथ में जो भी 12वीं तक पढ़े होंगे बच्चे, अंग्रेजी में ये कहानी है तो उनको पता होगा। तो हमारे देश में अगर एक भी बच्चे को, ये हमारे देश की संतान है, हम सब इस भारत माता की संतान है, अगर हमें इस देश में सौतेला व्यवहार किया जाता है तो ये देश सूख जाएगा उस बगीचे की तरह। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, बार बार राष्ट्रपति साहब को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ऐसी शख्सियत आगे आए हैं जो देश को बचाने में मददगार साबित होंगी। और आप सब लोगों का साथ बहुत कीमती है, आज 10 हैं, कल 10,000 होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, ईश्वर की कृपा हो। आप जो मंगल कामना लेकर यहाँ पर आए हैं, आप सबके सपने पूरे हो, आपको यहाँ पर आशीर्वाद भी मिल रहा है और एक अच्छी संगत भी हो रही है। आप घर जाओगे, आप देखना आपके हर कार्य पूर्ण होंगे, ये मेरा आपसे वादा, माता वादा है आपसे। मैं ईश्वर से प्रेम करूंगी कि जो भी जिस मुसीबत को झेल रहा है वो यहाँ जाके शुभकामना करे, वो कहेगा मैं दिल्ली गया था, मैं वहाँ गया था और मेरे साथ ये भला हुआ। हमें ये सुनना होगा, ये हमें सुनना होगा। तो सबका भला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ मैं कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।